कोई ऑब्जेक्ट करना हो, उसके बाद जितना ज़्यादातर का आदत होता है तो अपनी सर निकाल कितना आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ हमें हाथ से रखना पड़ेगा, हमें सबके हित तो दूर से वापस भी हटाना पड़ेगा। ये रेगुलेशन आपको अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो प्रशासन का बहुत बड़ा हेल्प होगा। ये इतनी बहुत इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे एम्बुलेंस की बात करें, चाहे ट्रॉमा सेंटर्स की बात करें, चाहे रोड की क्वालिटी की बात करें, इस पर जोन महोदय श्री प्रेम प्रकाश सर, मंच पर विराजमान हमारे चार जिलों के मंडल मंडलायुक्त महोदय, हमारे एसएसपी डीएम साहब, हमारे पीडीए से आए हुए हमारे आला अधिकारी, हमारे सीओ सिविल लाइन्स एसपी सिटी एडीएम और हमारे जिले के कोने कोने से पधारे हुए हमारे बहुत ही संग्राम मोजेस व्यापारी गण, हमारे उद्योग बंधु, हमारे पुलिस, पूरे मंडल के सबसे बड़े विचार विमर्श के स्थल पे गांधी सभागार में हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन। जैसा कि हमारे डीएम साहब ने आपको एक बैकग्राउंड बताया, बहुत सारी चीजों को छुआ, बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने टच किया, उसी अनुक्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफी ज्यादा बल देते हैं कि हर मामले में जन संवाद किया जाए, जन संवाद करते हुए जन सहयोग लिया जाए और तदुपरांत कोई योजना को ग्राउंड पे लागू किया जाए। उनका मानना है कि जब तक जन सहयोग नहीं होगा और ये स्वतः स्फूर्त नहीं होगा तब तक किसी भी योजना को अमली जामा पहनाया तो जा सकता है लेकिन उसको लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता और किसी का अक्षरशा पालन कोई व्यवस्था बालसन चौराहे पे भी अगर पार्किंग की हो जाए, पार्किंग की व्यवस्था पूरे चौराहे पे कहीं नहीं तो उससे भी एक समस्या, क्योंकि सामने पार्क है सर, उसमें भी लोग देखने आते हैं तो गाड़ियां खड़ी कर देते हैं तो एक समस्या वहां पार्किंग की भी है। जगह बता रहे हैं वो किसी प्राइवेट है, रामेश्वर सहाय जी हैं, लीज की जमीन है वो, अब मैं ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं जानता लेकिन मैंने एक बार देखा था कि उनकी कोई व्यवस्था उचित कर दी जाए ताकि उनका भी पेट चले और जाम की समस्या भी खत्म हो जाए। आप बताएं क्या व्यवस्था है। सम्मानित पदाधिकारी हैं उनको भी सारी जानकारी है, हम केवल छोटी सी बात कहें, जब सब जानकारी है तो हमको उसको दोहराना नहीं है लेकिन जितनी बातें कल तय हुई विजन यह आके सुनिएगा, जितनी बातें कल तय हुई वह अखबार में प्रकाशित, हम उससे एक इंच पीछे नहीं जाना चाहते और उससे एक इंच आगे नहीं जाना चाहते लेकिन उसका पालन हम दोनों को ही करना है और हम दोनों को ही इसका ध्यान रखना है। इस बात का मैं आपसे चाहूँगा कि हमको ये आश्वस्त किया जाए कि कटरा के हमारे तमाम व्यापार मंडल के लोग आए और सब व्यापारी तो जिससे कि हम लोग संतुष्ट होते, कभी हमारे सम्मानित त्याग व्यापार मंडल के पदाधिकारी जी ने कहा कि पानी गिरता है तो हम जाएंगे शेड होना चाहिए, तो कल ये तय हुआ जहाँ नाली है या नाला है जितना चौड़ा नाला है उतने ही बराबर से आप तीन चेक डाल लीजिए। एक बात ये तय हुई, मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि सबकी जानकारी में भी यहाँ वैसे तो अखबार में निकला है। दूसरी बिंदु ये तय हुआ नाले के बराबर ही हम अपनी फोल्डिंग रखेंगे, हालांकि 90% नाले के बराबर ही फोल्डिंग है जिनकी आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वेंडिंग जोन की परेशानी है, बिग बाजार के पास बहुत ज़बरदस्त जाम लगता है, वहाँ पर दुकानें बहुत लगी हैं लेकिन नवाब यूसुफ रोड पे वेंडिंग जोन अलाट है लेकिन वहाँ पे बाहरी दुकानदार आके दुकान लगा रहे हैं, इन लोगों को बिग बाजार वालों को वहाँ शिफ्ट करवा दीजिए जिससे कि वहाँ पे वेंडिंग जोन में दुकानें लग सके और वहाँ पे अड्डेबाजी बहुत होती है क्योंकि वहाँ सब चिकन नॉनवेज की दुकानें खुल गई हैं जिससे वहाँ रात में शराबी और अड्डेबाजी होती है।
उसको थोड़ा सा देखते हुए इसको देख लो। क्या है यहाँ पे सभी अधिकारी सर? मुख्यमंत्री महामंत्री महानगर अखिल भारतीय उद्योग भवन मंडल से और उपाध्यक्ष विलायन भी सर, मैं ये अपेक्षा सभी व्यापारियों से रख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई गई है, हमको लगता है कि यहाँ पे समस्या समाधान हम लोग बताएं और यहाँ पे हम ही लोग जब समस्या बताएंगे तो समाधान बैठाने कौन बताएगा, वहाँ समझ नहीं आ रहा है। तो पहले तो हम सर अपने तरफ से हम लोग ये दृढ़तापूर्वक ये विश्वास दिलाएं आपको कि जो भी समाधान हम लोग बताएं और उसका हमको सपोर्टिंग मिले पुलिस से या नगर आयुक्त महोदय से या PDM महोदय से या कहीं से भी, तो हम लोग उस चीज़ को बताएं भी। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारे बताने का कोई मतलब गिरता नहीं सर, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, कल ही शाम को CEO साहब के अध्यक्षता में मीटिंग मिली गई थी, वहाँ भी हम लोगों ने बताया कि जो हम लोग अपने तरफ से पहल कर सकते हैं वो आपको सुझाव ही दे सकते हैं सिर्फ। तो हमने एक सुझाव भी दिया था, एक पार्किंग आपको बना हुआ है तो पार्किंग केसी ड्रेन एक बनी होती है जो चौड़ी होती है, वहाँ पर कई कई जगहों पर आपका स्लोपिंग मॉडल दिया है, तो अगर स्लोपिंग मॉडल उस एरिया में कर दिया जाए जहाँ पर हम जगह नहीं ले पा रहे तो वहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पे बताने के लिए सभी लोग बताते हैं सर, बड़े बड़े मल्टी पार्किंग का हवाला देते हैं, बट ये कि अपने अंदर कोई झांक नहीं देखता, होटल खोले हुए हैं, बड़े बड़े अपने मॉल बना रखा है। प्रथम ये कहना चाहूँगा सर, जो आपकी सरकारी थाने के सामने जो जाम गाड़ियाँ जो सीज हुई हैं, कानूनी कार्रवाई में जमा है, रोड जाम है, तो ये गाड़ियों को पहले हटाया जाए सर, चाहे औद्योगिक थाना हो चाहे नहीं हो। दूसरा, जो रोड अभी बरसात के पहले खराब हो चुकी है, आपके पुलिस बूथ के सामने है छेवकी, वहाँ पे इतनी बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और जो डिवाइडर बनाया गया है मिर्ज़ापुर मार्ग पे, कॉटन मिल तिराहा, अरैल तिराहा और मेवालाल बजिया सरगम पे टूटे हुए, ये मानक के रूप है कि नहीं है? सर अभी कुछ दिन पहले घटना हुई टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, बड़ी निंदा की बात थी वो, जो जाम में एक महिला की मौत हो गई। उसके बाद वहाँ के अध्यानाध्यक्ष जी ने संज्ञान में लिया, वहाँ पे ट्रैफिक हटवाया, अतिक्रमण हटवाया वहाँ से, अब वहाँ सुचारू रूप से व्यवस्था हो गई है। लेकिन सर जो भी गरीब लोग हटे हैं वहाँ से, उनके लिए हमारी एक ही सुझाव है सर कि DAV कॉलेज के अंदर जिस तरह की दीपावली के समय पड़ाके की एक ठो दुकानें लगती हैं अलग से, उस तरह जब तक वेंडिंग जोन नहीं बन रहा नगर निगम से, तब तक उनकी वहाँ व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि शाम के समय दुकानदारों की दुकानें लगती हैं, उनकी दुकानदारी होती है। तो मेरा छोटा सुझाव है सर, स्कूल कॉलेज शाम को बंद हो जाते हैं, उस क्षेत्र की जनता की यही मांगेगी उनको वहाँ पे शाम के समय 2-3 घंटे के लिए जगह दी जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी जीविकोपार्जन चला सके। उस अभी बात आ रही है बार बार छोटी छोटे दुकानदारों, रेहड़ी वाले दुकानदारों के, उनको कैसे बसाया जाए, उनको कैसे स्थापित किया जाए, इस पर सर बार बार हर हमारे व्यापारी बंधु चिंता कर रहे हैं और ये वास्तव में एक समस्या है सर, जिनका निराकरण स्थायी रूप से होना चाहिए। होता क्या है सर कि जो अतिक्रमण दुकानदार जो करते हैं, उसका कारण ये है कि जो दुकान जिनकी दुकानें हैं उसके सामने लोग या तो ये ई रिक्शा लगा देते हैं या जो रेहड़ी दुकान वाले हैं, ये छोटे जो दुकानदार के लोग हैं, पटरी वाले दुकानदार, ये लगा देते हैं, इसलिए इनकी दुकान का सेल प्रभावित होती है। उस सेल को उसको प्रभावित न होने की वजह से पहले ये लोग खुद अतिक्रमण कर लेते हैं कि ताकि हमारे आगे कोई आदमी दुकान न लगाने पाए, जो व्यवहारिक समस्या है सर। तो जो वहाँ पर ई रिक्शा वाले या इन लोगों को हटाया जाए, वहाँ पर उनको रेहड़ी वाले जो हैं उनकी जो दुकानों को कहाँ पर लगे, इसके लिए सर ये रविशंकर द्विवेदी बैठे हुए हैं जो वेंडिंग जोन के समिति के सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं उसमें और नगर आयुक्त महोदय बैठे हैं। तो ये जो काम बहुत पहले अब तक हो जाना चाहिए था कि जहाँ एक प्राकृतिक दुकानें जो लगाई जाती हैं, उनकी एक प्राकृतिक जो दुकानें हैं, एक नेचुरल जो कहाँ मार्केट कैसी होनी चाहिए, उसको अब तक सर डेवलप कर लेना चाहिए और उनको लोगों को स्थान चिन्हित करके दे देना चाहिए। अगर जो सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है वो सब्जी और फल वालों से ही होता है। इसके पहले आज से 12-13 साल पहले हम लोगों ने प्रयास करके सब्जी मंडी को ले जाके विस्थापित कराया था ये कब्रिस्तान वाली रोड पर, और वहाँ पर सब्जी मंडी लगभग 6-7 महीने तक चली थी और राजापुर की जो रोड थी वो खाली थी, अतिक्रमण से मुक्त हो गई थी।
परंतु इधर कुछ वर्षों से लगातार जो है फिर राजापुर में सब्जियां लगने लगी हैं, जिसकी वजह से सब्जी और फल की वजह से ही ज़्यादा जाम है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप चाहें तो चूंकि अभी भी वो जगह खाली पड़ी हुई कब्रिस्तान के पीछे रोड, वहाँ 100 दुकानें कम से कम सब्जियों की लग सकती है। अगर आप उसको वहाँ लगवा देंगे तो निश्चित तौर पर राजापुर का जो अतिक्रमण है वो खाली हो जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा हम अपनी भी कमी आपको बता दें। हमारी कमी यह है कि हम अपने दुकान के आगे ठेला खुद लगवा करके लालचवश पैसा लेने का भी काम करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हमारे पास हैं। तो इस चीज को भी मैं अपनी कमी बता रहा हूँ। अपनी कमी का मतलब व्यापारी जो हैं वो एक ठेला लगवाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं चाहेंगे तो मेरी दुकान के आगे कोई ठेला नहीं लगा सकता। तो सर, एक तो ये है कि हमारे व्यापारी बंधुओं को भी थोड़ी सी लालच के लिए अपना व्यापार खराब करने से बचाना चाहिए। और एक नया ट्रेंड आजकल चल गया सर, वो ये है कि ठेके पर ठेले लगने लगे हैं। ठेके पर ठेले लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ठेला लगवा करके आलू और प्याज और भिंडी बिकवाया जाता है। इस पर भी अगर निगरानी हो जाए, उनका कोई कार्ड बन जाए कि बच्चे एक परिवार में एक ठेला दो ठेला जैसे भी हो कुछ ऐसा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ठेला बेच रहे हैं। आप देख लीजिए 14 साल 12 साल बच्चे सब्जी बेच रहे हैं ठेला लेकर के सड़कों पर। और एक थोड़ा सा अगर हम सुझाव देना चाहें तो सारे मार्केट शहर के लगभग 10 बजे के बाद ही खुलते हैं, 10-11 बजे के बाद ही खुलते हैं। अगर आप सभी चाहें तो सब्जी मंडी का टाइम निश्चित कर दें कि सुबह 7 से 10 सब्जी मंडी लगाएं पूरे शहर में जहां लगाना चाहें, लेकिन उसके बाद सब्जी मंडी नहीं लगेगी तो अतिक्रमण से मुक्त रहेगा पूरा जनपद में। कहीं मिलेगा सर, छोटी सी गली 24 घंटे हम लोग खुद ट्रैफिकिंग करते रहते हैं। पब्लिक हाईवे सिस्टम डीएम साहब के आदेश अनुसार दो वर्ष पहले लगाए गए थे, जब मुख्यमंत्री जी के आदेश आए थे कि बाजारों को अवेयरनेस कराया जाए, वो बहुत कामयाबी से चल रहे हैं सर। सारी सूचनाएं प्रसारित करते हैं। इत्तेफाक की बात है सर, जिस प्रयोजन के लिए बुलाया गया है हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं उदाहरण रखना चाहूँगा ताकि मेरे भाई भी इसमें दलील लें। ये सूचना हमें कल विजय अरोड़ा भैया से रात से प्राप्त हुई है कि आज हमारी सुरक्षा की मीटिंग है और ये 12 बजे के लिए चली हुई है। व्यापार मंडल में 2 मिनट का समय चाहूँगा ताकि प्रेरणा मिले और हमारी गति में सुधार हो। ये इस प्रकार से हमारी चलती है। बिल्कुल इनोसेंट बनाई गई थी। करेली व्यापार मंडल का अध्यक्ष शाहिद कमाल खान, मैं सिर्फ मेरे क्षेत्र में जितनी 3 रोडे हैं गड्ढा बहुत ज़्यादा है, हमारे व्यापारी बंधु हैं वो उससे बहुत परेशान हैं। एक पहलवान चौराहे से लेकर मस्तान मार्केट तक की जो रोड है अपने है अमावस्या पूर्णिमा को प्रतिमा आदि संख्या में आती जाती हैं और वहाँ पर भीड़ के कारण जाम की समस्या रहती है। एक ये हो गया, अगर आप ट्रैफिक पुलिस लगा देंगे तो ये समस्या वहाँ हल हो जाएगी। तमाम पार्किंग के मैदान वहाँ आपके पास उपलब्ध हैं। दूसरा ये रेलवे ब्रिज गऊ घाट का, उसके नीचे काफ़ी अतिक्रमण है जिस कारण से जाम की समस्या बनी रहती है। और उसके साथ साथ जब नोटी खुलती है 10 बजे तो नैनी के पार जो अपना पुल है भीषण वहाँ जाम हुआ लगता है, कोई ट्रैफिक व्यवस्था वहाँ उस समय नहीं रहता। और अंत में निवेदन ये है कि कोई भी अतिक्रमण हटाने के पहले व्यापारी पुलिस के समन्वय के साथ अगर हटेगा तो व्यापारी भी खुश रहेगा और शासन प्रशासन का सहयोग से काम भी हो जाएगा। ये अनुरोध, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जो शासन की या सरकार की मंशा है और आपका प्रयास है, उसमें अगर इस मीटिंग के बाद इसके स्वरूप को लेकर के हम शहर को 5-6 भागों में बांटकर डिसेंट्रलाइज कर दें और व्यवहारिक तौर पर वहाँ की समस्याओं को देखकर, चाहे अतिक्रमण हो चाहे यातायात हो, उसको अगर अमली जामा पहनाने के लिए प्रयास करें तो कुछ न कुछ हल हमको निकलेगा। और दूसरा सर निवेदन यह है माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि आप एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बैठक बुला लें। मतलब मुझे 10 साल तक बार का अध्यक्ष रहने के बाद खुद ही ये बात खलती है कि आपके निकलने का रास्ता नहीं, हम ही लोगों के द्वारा जो हम अधिवक्ता कारण इतना अतिक्रमण कर चुके हैं
कि अगर कोई घटना दुर्घटना हो तो कम से कम 20-25 मिनट आपको निकलने में लगेगा। तो चाहे वो हाईकोर्ट में 3 किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा और जिला कचहरी में शाम को वहाँ सब्जी भी लग जाती है, वहाँ खरीदारी भी होती है, तो आपसे अनुरोध है उसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और एक अंत में बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का प्रयास हमारे ADG साहब ने किया, हमारे IG साहब ने तमाम यातायात के मामले में किया, इस प्रयास को हम जारी रखें तो हमें लगता है कि शहर हफ्ता 10 रोज में माननीय आयुक्त महोदय ने जो दिशा निर्देश पिछली बैठक में दिए थे उसके अनुरूप हमें निश्चित 2 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा। क्योंकि जिस तरह के यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं शहर के, इनकी भावना भी ये है कि शहर हमारा है, सहयोग आपका है और इस हम प्रयागराज को कहीं न कहीं खूबसूरत बना करके ही छोड़ेंगे, ऐसा सरकार को हम दिखा करके छोड़ेंगे, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। ये मेरा छोटा सुझाव है। बैठक में हमारे ADG साहब, अफसर साहब, जिला अधिकारी, प्रयागराज पुलिस निदेशक, नगर आयुक्त और सभी संबंधित व्यापारी साथियों, बहुत सारे सुझाव आए। मैंने सभी सुझावों को मैंने खुद ही नोट किया है और अलग अलग व्यापार मंडलों से लोग आए और अच्छी सी बातें बताया। मुझे लगता है कि आप इच्छा शक्ति और हमारे प्रयास से अच्छी रूप से सफल होगा। वो इसी रूप से बहुत बड़ी बात आपने बताया जो कि टाइम हो छोटी छोटी बातें हैं वो जो जिसमें हम लोग ध्यान रखें। जब भी हम लोग वहाँ जाए या सारे लोग जाए आप लोगों को जहाँ पर आपका क्षेत्र हो जहाँ जहाँ मैंने नोट किया है वहाँ सबको बुला लिया है। आप साथ चले खड़े होंगे, हमारे नगर निगम के लोग होंगे, पुलिस के लोग होंगे, आप स्वयं चलते बताते जाएंगे तो व्यापारियों को सहूलत होगी। यहाँ पर दो तरह बातें हो रही है, तो सभी की उसकी कोशिश रहती है कि वो भी चौराहे पर ही लगा लें और फिर चौराहे पर भी इस प्रकार से लगाते हैं कि आपस में कंपटीशन रहता है। सब लोग सबसे ज़्यादा मतलब उसके जितना भी बीच में सड़क में आ सकते हैं वहाँ लगाते हैं, कोशिश करते हैं लगाने की, तो ये ना हो। तो एक तो चौराहे हो गए, इसके लिए चौराहे समिति आप नामित कर दें और हमारे जो नगर निगम के अधिकारी हैं, PDA के हैं, पुलिस के हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सभी इसमें आपको सहयोग करेंगे। दूसरा, सड़कों पर जब हम इन्फो इसके लिए जाते हैं कि भाई एनक्रोचमेंट हटाइए, एनक्रोचमेंट देखिए सभी को नज़र आता है कि कहां पर किया हुआ है। आप ये मान लीजिए जहां 90% लोग जहां पर अपनी लाइन चिन्हित किए हुए हैं कि वो वहां तक सीमित हैं, अब 2-4 लोग बहुत ज़्यादा उससे आगे बढ़े हुए हैं तो साफ पता चलता है कि एनक्रोचमेंट है ये। तो एक तो सबसे पहले हम सभी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि स्वयं अनुशासित हो जाएं पहले, जिससे कि प्रशासन को कोई ऐसा कोई कदम उठाना ही ना पड़े कि किसी का सामान उठा रहे हैं या किसी का चालान कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को अपनी जहाँ जहाँ जो भी व्यापार मंडल हैं या जितने भी बाज़ार हैं उसमें आपसी जो मीटिंग है वो पहले स्वयं कर लें, वहाँ पर छोटे छोटे स्तर पर उसमें अपने जो रेडी पटरी वाले हैं, वेंडिंग करने वाले, उनको भी ले लें। बहुत से लोग उससे भी छोटे दुकानदार हैं, जैसे कोई छोटे से कल हम वहाँ गए हुए थे फापा मऊ, तो वहाँ बाज़ार में उन्होंने बताया कि साहब ये बहुत छोटे दुकानदार हैं जो केवल थोड़ा सा जो है कोई तुरई ले आया, निनवा ले आया, उसके पास उतना ही होता, हो मंडी तो जाएगा नहीं बेचने के लिए, यहाँ नीचे कपड़ा बिछाया यहीं पर बेचना शुरू कर दिया। तो प्रशासन की शासन की ये बिल्कुल मंशा नहीं है कि किसी गरीब आदमी का या किसी व्यापारी का उसका काम बंद किया जाए। हमारा काम है उसको और सुचारू रूप से चलाना और व्यवस्थित करना, और दूसरा इसी प्रकार से ट्रैफिक को भी व्यवस्थित करना। कल हमने सबसे ये कहा कि देखिए आप इतना पीछे रहिए, उन्होंने कहा साहब आप लाइन खींच दिए हैं, लाइन खींचना सब जगह संभव नहीं है। हालांकि नगर निगम हमारे नगर आयुक्त साहब ने कहा है कि हम सब जगह लाइन खींच देंगे, लेकिन लाइन जब तक नहीं है तब तक एक ऐसी सीमा अपनी निर्धारित कर लीजिए। हमने कहा कि जो मेटल रोड है, जो कैरिज वे है जिसके ऊपर गाड़ी चलती है, उसमें कोई नहीं आना चाहिए। अब ये आपको जो है किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे इसके तरीके भी बताए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कोई गूढ़ विषय है, आप सबको पता है। अगर आप अपनी शॉप बिल्कुल बाहर तक लगा देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि जो पैदल चलने वाला है उसमें आपके कस्टमर भी हैं, आपके खुद के मिलने वाले भी हैं, वो भी सड़क पर चलेंगे और एक्सीडेंट हो सकता है। तो कृपया अपनी जो सीमा है, जैसे आपने अभी यहाँ पर बताया था कि नाला, नाले के ऊपर मान लिया आपने कवर किया हुआ, वहाँ तक आ जाओ, लेकिन उससे आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है।
उससे आगे आप बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, दूसरे लोगों को दिक्कत होगी। फिर कहते हैं साहब ये ठेली वाला कहाँ लगाए, वेंडर कहाँ लगाए। अब वेंडर के लिए बता दिया गया कि एक लाइन अगर लगाया हुआ है, चाहे वो रिक्शे की है, चाहे वो टैक्सी की है, चाहे वो वेंडिंग करने वाला है, चाहे वो ग्राहक है, अगर एक लाइन कहीं भी लगी हुई है पूरे शहर में तो हम उसे रोकेंगे नहीं। ये हमने पुलिस वालों को अपने बताया है कि उस पर आप कोई कार्रवाई ना करें, चाहे वहाँ पार्किंग है या नहीं है। जैसे सिविल लाइन में पार्किंग निर्धारित है काफ़ी सारी जगह, वहाँ लाइन खींची हुई है, लेकिन उसके बाद भी लोग डबल लाइन लगाते हैं, उसके बाद भी वहाँ रोटरी पर चौराहे पर ले जाकर गाड़ी को रोकते हैं, तो ये गलत है। ऐसे में फिर सख्त कार्रवाई होगी, तो ये सभी को बता दिया जाए। और अगर इस तरीके से जो वाहन लगाए हुए हैं, जो सिंगल लेन में लगे हुए हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर दूं। जहाँ भी परमानेंट एनक्रोचमेंट है, अगर किसी को देखना है, हमने दो दिन ड्राइव चलाया नूरुल्ला रोड पर, नूरुल्ला रोड से कोई आए हुए हैं वहाँ चलाया, अपने आप लोगों ने व्यवस्थित कर लिया। मैं अगले दिन गया, केवल एक फल वाला मुझे मिला जिसने एक फिट आगे बढ़ा के लगाया हुआ था, उसके अतिरिक्त एक आदमी नहीं मिला जिसने आगे बढ़ा कर लगाया हुआ था। उससे जब हमने कहा, उसने भी अपने आप स्वतः ही, हमने बस ये दिखाया कि देखिए बाकी सब कहाँ और आप कहाँ पर हो। तो ये डिसिप्लिन अगर आपस में कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कटरा में भी गए, कटरा में पता नहीं बाद में विरोध भले ही हुआ हो, लेकिन हमारे सामने जितने लोग थे उन्होंने अपना कर लिया सामान, और उन्होंने आश्वस्त भी कर दिया कि हम कितना करेंगे। उनको स्वयं पता है कि हमने एनक्रोचमेंट कितना किया हुआ है, कितना बढ़ा कर किया हुआ है। दूसरी एक टेंडेंसी है, जैसे ट्रांसफार्मर लगा, कोई सरकारी पोल लगा या मंदिर बना लिया, उसकी आड़ में पूरा जो एनक्रोच कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। हमारा कहना है कि इतना रास्ता रहना चाहिए कि एक शॉप से दूसरी शॉप पर आदमी सड़क पर ना होकर सीधा एक शॉप से दूसरी शॉप पर तो जा सके। कटरा में कल हमने दिखाया, मैंने कहा कि भाई ये शॉप से मान लिया ग्राहक को यहाँ जाना, दूसरी शॉप पर कैसे जाएगा, उसने बंद कर रखा पूरा, वो घूम कर जाएगा पूरा ट्रांसफार्मर से होकर। तो ये ना करें, उसकी आड़ में ये ना करें कि पूरे को एनक्रोच कर दें। कुछ लोगों ने क्या है, पहले थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पहले एक रेलिंग लगा दी, रेलिंग के बाद में फिर उसके साथ में दीवार खड़ी कर देने। प्रयागराज जनपद के हमारे दोनों बहुत ही होनहार अधिकारी डीएम साहब और कप्तान साहब, नगर आयुक्त, जो कि मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे इस चीज़ से जूझ रहे हैं, और आप सभी सम्मानित जितने भी पदाधिकारीगण, जितने भी संगठन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये मेरी तीसरी बैठक है विगत 15-20 दिनों में। एक मैंने धर्मगुरुओं सारे जो हमारे अनुयायी हैं उनके साथ मिली थी, और अभी कुछ दिन पहले मैंने और एक बैठक ली थी मंडल स्तर पे ही, जिसमें हमारे मुख्यतः जो हमारे ऑटो एसोसिएशन के और जो ई रिक्शा एसोसिएशन के प्लस सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी हमारे सहयोगी लोग हैं या साथी लोग हैं, उनसे हमने चर्चा करी थी, और आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से एडी सर ने रोका है। दिलों में जगह तो बहुत है मुझे लगता है, क्योंकि कभी कभी पीक डे पे 2 करोड़ लोगों को भी एडजस्ट किया है हमने, और कुंभ की बात करें तो मेरे ख्याल से पीक डे पे स्नान पे संख्या और भी ज़्यादा हुई है। मगर वो मुझे लगता है कि एक वो फेज़ है जिसमें हम सब ने अपनी जिम्मेदारी समझी और अपने आप को उस लेवल पे ले गए कि नहीं भाई, ये तो आस्था का भी विषय हो सकता है, और अपनी कभी कभी होता है कि अपनी, जैसे डीएम साहब कह रहे थे, अपने शहर का एक डीएनए है, वो डीएनए उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि नहीं भाई, जो लोग आ रहे हैं सब हमारे मेहमान लोग हैं, उनको जैसे भी है, चाहे भले हमें अपने आप को कष्ट देना पड़े, मगर उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को समझते हुए उस चीज़ को समझा और आगे हम आगे बढ़े। तो ये लगातार रहना थोड़ा सा कठिन विषय तो है कि हम साल में 365 दिन अपने आप को कैसे उस तरीके से ढाल लें कि लोगों को कठिनाई कम हो और हम अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें।